तमाम नए दोस्तों को हमारे चैनल कुकिंग विद हसन पे खुश आमदीद। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही इजी रेसिपी लाए हैं, जिस रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बनाएंगे घर में जमा की हुई मलाई से देसी घी, तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारे घर में जो दूध आता है वो फुल फैट वाला दूध होता है, तो उससे हम आज ये हमने मलाई उसकी जमा की हुई है, तो आज इससे हम देसी घी बनाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले एक मोटे तले वाली कढ़ाई या कोई भी बर्तन जिसका तला मोटा हो तो उसमें हम इसको डाल देंगे। हमारे पास कढ़ाई है, आप किसी पतीले में, नॉन स्टिक में, किसी चीज़ में भी बना सकते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखेंगे कढ़ाई को, और साथ साथ इस पे चम्मच हिलाते जाएंगे। आपने वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये मलाई हमारी नरम हो चुकी है, तो इसमें हम विनीगर डालेंगे। अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा तो कि फुटकड़ियाँ बन जाएंगी। फट चुका है तो हमें ऐसा ही चाहिए। इससे ये कढ़ाई से हमने इधर नॉन स्टिक में हमने शिफ्ट कर लिया। माशाल्लाह घी रिलीज होना शुरू हो गया है। दोस्तों बहुत ही हल्की हल्की आंच पे बनाएं। हम नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो कोशिश करें आप भी नॉन स्टिक में बनाएं, दूसरे बर्तन में नीचे लगने लग जाता है तो उसका फिर कलर ख़राब हो जाता है। दो पैन चढ़ाएँ, दो कढ़ाइयाँ चढ़ाइए छोटी छोटी, तो आप भी कोशिश करें हल्की हल्की आंच पे साथ साथ चलाते जाएं और घी रिलीज होता जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही घी रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको दोस्तों और अच्छी तरह हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि तमाम ऑयल रिलीज हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा घी रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल हमारा रिलीज हो चुका है। अभी हम इसको स्टेन करेंगे। नीचे एक बर्तन रख लें, ऊपर जाली रख लें। किसी चीज़ की मदद से ऊपर से दबा दें ताकि तमाम घी नीचे चला जाए। ये आप देख सकते हैं इसमें अभी बहुत ज़्यादा घी है, आप देख सकते हैं, तो इसलिए इसको अच्छी तरह घी को दबा दबा के घी निकाल लें इससे। अच्छी तरह घी निकाल लिया है, लेकिन अभी हम जब पकाएंगे इसमें फिर दोबारा घी निकल आएगा, तो इसको उस घी को हम बाद में उतार लेंगे। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत और प्यारा देसी घी घर का। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा देसी घी, इसकी आप सफाई चेक करें जैसे बिल्कुल फिल्टर हुआ हुआ हो। बहुत ही खूबसूरत और ओरिजिनल रेसिपी। तो बहुत ही आसान तरीके से समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, और आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस किस शहर से हमें, किस किस गांव से, किस किस मुल्क से हमें फॉलो कर रहे हैं। तो हमें खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़ के। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।